मुझसे किसी ने पूछा कि यार आपके क्या सारे स्टॉक्स मतलब 15-20% 30% बढ़ते रहते हैं। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्टोरी है वो हर बारी सही चले। एक एग्जांपल देता हूँ AGS ट्रांजैक्ट सर्विसेज का। कंपनी का जो थीम है कैश मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर और कंपनी का जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे रेडियंट कैश, CMS इन्फो, इनके अंदर तो बहुत मारी अच्छी रिटर्न आपको दिखाई दी होगी। लेकिन एक AGS ट्रांजैक्ट ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ना तो कोई रिटर्न आई है और ना तो कोई स्टॉक प्राइस के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट भी आगे का आउटलुक में दिखाई देती है। रीजन बीइंग कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ भी हमारी डिक्लाइन दिखाई दी है, प्लस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। अब आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना ATM का बिजनेस सबलेट करके इनको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी हमारी चल नहीं रही। अब इसका सबसे ठोस रीजन ये हो सकता है कि सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी करी इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री इस बिजनेस के अंदर कैसी है। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि आज की डेट में एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गए, PSU बैंक्स हो गए, उनके पास जो उनका एग्जिस्टिंग ATM नेटवर्क है वो उनको आज की डेट में खुद मैनेज नहीं करना। तो उन्होंने इस चीज़ के जो टेंडर्स हैं वो मार्केट में उतारे हुए हैं, जिसका एक आइडिया है कि इस टाइम 15,000 ATMs का टेंडर मार्केट में उतरा हुआ है। उसमें से AGS ट्रांजेक्ट ने रिसेंटली अभी 1,300 ATMs का ऑर्डर जीता है जिसको वो अब मैनेज करेगी अगले एक साल के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंपनी के पास अराउंड इंडिया में 29,000 ATMs ओन एंड मैनेज करने का ठेका है, प्लस उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ग्रोथ में ही रहेगी इस इंडस्ट्री के अंदर, प्लस कंपनी का जो अगर मैं पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करूं कैश मैनेजमेंट बिजनेस की, जो कि 2029 तक 27 तक आपका 7,500 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो जाएगा, प्लस कैश इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के अंदर कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना कैश इन सर्कुलेशन है, तो वो है अराउंड 33 ट्रिलियन रुपीज का। तो इतना कैश अगर इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए जितनी भी कंपनीज हैं जैसे कि रेडियंट कैश, CMS इन्फो, AGS, इन तीनों के ऊपर ही आपकी नजर रहनी चाहिए लिस्टेड स्पेस के अंदर। तो अगर आप इन तीनों के कंपटीशन के अंदर सबकी रिटर्न्स चेक करेंगे तो अभी तक की रिटर्न सबसे ज़्यादा CMS इन्फो की रही है, उसके बाद रेडियंट कैश की रही है और सबसे नीचे में है हमारी AGS ट्रांजेक्ट। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को हम समझेंगे। CMS इन्फो के अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे तो उसके इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रेडियंट कैश के, उसके बाद AGS के। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि कभी भी कंपनी का शेयर प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये मेरी भी अपनी लर्निंग्स है, लेकिन मेरे पास ये बाकी तीनों कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्टॉक पसंद आया तो आपने उसमें ही इन्वेस्टमेंट करी। आपको अपना ओवरऑल व्यू रखना चाहिए मार्केट के अंदर कि उसमें से कौन सी कंपनी के कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा लीडिंग कंपनी कौन सी है। तो अगर आप इनके चेक करेंगे वैल्यूएशन नंबर्स, तो वैल्यूएशन के मामले में CMS इन्फो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको दिखाई देगी। लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कंपनी के आप मार्जिन प्रोफाइल चेक करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ चेक करेंगे, तो वो उसको वैल्यू करता है कि हम अगर रिटर्न्स दे रहे हैं अपने वैल्यूएशन के अंदर तो उसका रीज़न ये है कि हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर भी अच्छी इंटैक्ट ग्रोथ दिखाई देती है। सेम चीज़ है रेडियंट कैश के साथ कि उनकी भी मार्जिन प्रोफाइल अच्छी खासी है, इसलिए उनके अंदर भी शेयर होल्डर रिटर्न दिखाई दी। अब बात आती है AGS ट्रांजेक्ट की कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ साइड पे है तो आपकी अपनी कंपनी भी ग्रोथ साइड पे रहनी चाहिए, ये तो नंबर वन पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर आपकी इंडस्ट्री के प्लेयर सपोज 15-20% का मार्जिन बना रहे हैं तो आपका अगर 12% का भी है और आपकी वैल्यूएशन कम है तो उसको भी मैं एक टिक मार्क दे सकता हूँ कि यार इसकी वैल्यूएशन कम है क्योंकि इसके मार्जिन्स भी कम है। लेकिन आपका अगर इंडस्ट्री के प्लेयर्स 15-20% मार्जिन कमा रहे हैं और आपका अगर 5% का मार्जिन है तो आपके बिजनेस मॉडल में भी कोई दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे आप डिवाइड करके चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि
कि आपकी कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर्स क्यों परफॉर्म कर रही हैं। ये चीज सिर्फ कैश मैनेजमेंट बिजनेस में नहीं अप्लाई होती, ये इंडिया की हर इंडस्ट्री में आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी कंपनी के अगर मार्जिन्स सही चल रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल पे है, तो शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी आपको उसमें दिखाई देगी। अब इस केस में मेरी बाकी दोनों बेट्स जो हैं वो सही रही, लेकिन AGS में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ ना कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी रहे हैं। जैसे कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यू के अंदर एक डिक्लाइन भी दिखाई दिया है, तो वहां पे आपको इतना पता चल गया कि इसकी अगर शेयर होल्डर रिटर्न नहीं आ रही तो उसका रीजन क्या है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में ही अभी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट बनती है। तो जरूरी नहीं है आपका हर स्टॉक चले, स्टॉक ना चलने का रीजन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रीजन नहीं पता होंगे तो आप ऐसा हो सकता है कि शेयर प्राइस टूटने के बाद उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दें और अपना एवरेज डाउन करने की वजह से उसकी आपकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी 100 शेयर की थी तो आज आपका प्राइस डाउन करके 300 शेयर खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रही। ये बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर हर एंगल से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना और उसमें से सही एडवाइस देना। थैंक यू।